ना ड्राइव करना है, क्या करना है, फार्मूला ड्राइव। तो आराम से सुनिएगा, फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज का क्या निकालना है आपको, आपको एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालना है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक फार्मूला बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें बोला है कि इफ द टाइम पीरियड T of the simple pendulum depend upon length L and acceleration due to gravity G and mass M. So ड्राइव्ड फॉर्मूला, तो देखिए जी कैसे है। तो सबसे पहली बात इसने बोला है पेंडुलम है, दिस इज सपोज टू बी पेंडुलम, और ये पेंडुलम यहां से जाता है और वापस आता है। तो इसे जाने में और वापस आने में जितना टाइम लगता है, दिस इज टी, ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। डिपेंड का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, क्या मतलब होता है। ये हम फार्मूला ड्राइव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड है इसने बोला है वो डिपेंड कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये डिपेंड कैसे कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली है, इसलिए इस सिंबल को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल। तो जब भी आप ये पढ़ेंगे दिस इज डिपेंड अपॉन, या समटाइम्स यहाँ लिखा होता है बेस्ड ऑन, क्या लिखा होता है, बेस्ड ऑन, तो दोनों का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। तो इसने बोला भाई एक टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड डिपेंड, डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इस पेंडुलम की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां लिखेंगे एल। दूसरा इस पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसे राइट हैंड साइड में लिखो, जो समझ में आ गया, जो डिपेंड कर रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिस पर डिपेंड कर रहा है वो राइट हैंड साइड में, और पर जो डिपेंड करने वाले का जो सिंबल होता है उसे क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनल। जैसे इसने बोला टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ। उल्टा कर अगर मैं बोलता, अगर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे, मास पे और टाइम पे, तो मैं क्या लिखता, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखता और प्रोपोर्शनल लगाता क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, समझ आई बात, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, तो यहाँ पे मास लिख दो। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें पहला काम क्या होता है, इस प्रोपोर्शन को उठा के कॉन्स्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये कॉन्स्टेंट लगाते हैं, ये कितना एल जी और ये एम। अब यहां पर हमें ये नहीं पता कि ये जो टाइम पीरियड है ये लेंथ जी और एम, इसमें हमारे दो मोटिव होते हैं, दो या तीन, दो मोटिव होते हैं हमारे सबसे मेन। सबसे पहला मोटिव ये होता है कि ये तो ठीक है, ये टाइम पीरियड लेंथ पे, जी पे, एम पे डिपेंड कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली है, कैसे डिपेंड कर रहा है। नंबर दूसरा हमें ये नहीं पता कितना डिपेंड कर रहा है, कितना मतलब हाउ मच पावर, इसकी हो सकता है इसकी दो पावर पर डिपेंड कर रहा हो सकता है, तीन पावर पर डिपेंड कर रहा हो सकता है, इसकी एक ही पावर पर डिपेंड कर रहा हो, लेकिन ना हमें पावर पता ना ये पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली। इसलिए दो मोटिव होते हैं इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो मैंने बोला ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इन इन पे, तो हमेशा इस प्रोपोर्शन को उठा के कॉन्स्टेंट लगाते हैं। इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू सब जगह अलग अलग होती है, पता है तो लिखोगे, नहीं तो इस के की वैल्यू के ही लिखनी है। जैसे फ्री ऑसिलेशन में इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, तो आप 2 पाई लिखेंगे, और नहीं पता तो के का के लिख के छोड़ के आएंगे। अब देखो जी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड इन इन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब कितना कितना डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता, तो हमने इसकी पावर मान ली ए, इसकी पावर मानी बी और इसकी पावर सी, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब एक बार बताओ टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, दिस इज टी, और L क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या है L, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन क्या होती है LT माइनस 2, कैसी भी एक्सेलरेशन हो सेम ही होगा। M क्या है, मास, मास की कितनी होती है M। अब इसको सोल्व करें यहां पर, ये L कितना है, L की पावर A, इसको सोल्व करोगे तो L की पावर B, और इसको सोल्व करोगे तो L की पावर माइनस 2B, ये तो आएगा, और ये कितना है M की पावर C। अब बी सी में तो पावर ऐड हो जाएगी भाई, एल इजिकल टू कितना आ गया ए प्लस बी, और ये कितना है टी की पावर कितना है माइनस 2B, और ये कितना है एम की पावर सी, ये बात समझ में आती है, और ये कितना है, दिस इज टी। अब उसके बाद कंपैरिजन करो, कंपैरिजन ऑफ पावर्स एल एच एस टू आर एच एस। एक छोटी सी बात बताओगे, अगर ये एक्स की पावर 3 है इजिकल टू में ये वाई की पावर जेड है, तो आप बता सकते हो जेड कितना है, बिल्कुल नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपका कंपैरिजन गलत है, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब उनके बेस सेम होते हैं,
तो क्या एक्स और यहाँ पर वाई दोनों बराबर है? नहीं, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर मैं बोलूँ एक्स इजिकल टू थ्री और यहाँ पर बोलूँ एक्स इजिकल टू वाई, तो आप बता सकते हो वाई कितना है? यस, आप बता सकते हो क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो वाई इज इक्वल टू थ्री। तो हम कंपैरिजन भी लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से तभी कर सकते हैं जब उनके बेस सेम हो। एग्जैक्टली अब मुझे इनकी पावर का कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? पावर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की पावर को राइट हैंड साइड की पावर से कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे देखा टाइम तो है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर टाइम की पावर कितना? वन। यहाँ पर टाइम की पावर कितना? माइनस टू भी, तो वन इज इक्वल टू माइनस टू भी तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ है, लेकिन यहाँ पर तो लेंथ नहीं है। तो हमें एक बात पता है बेसिक, यहाँ पर लेंथ नहीं है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है? वन से ही तो हो रहा है। अरे वन वन वन। और आपको पता है किसी चीज को भी वन हम कब लिख सकते हैं? जब उसकी पावर जीरो। तो मैं एल यहाँ पे चाहूँ तो एल की पावर जीरो लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या नहीं है? एम नहीं है, तो यहाँ पर मैं एम की पावर भी जीरो लिख सकता हूँ। तो कोई फर्क पड़ा? अब कंपेरिजन करो इसे लेफ्ट हैंड साइड की पावर को राइट हैंड साइड की पावर से। तो यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है ना दोनों तरफ एल। तो यहाँ पर ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? तो आंसर है जीरो के इक्वल। यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है, तो एम एम तो सेम है ना, तो सी किसके इक्वल आ गया? जीरो। यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, तो कितना आ गया? माइनस टू बी इक्वल टू वन। तो कंपेरिजन करना जरा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? जीरो। एम कितना है? सी इज इक्वल टू कितना है? जीरो। और टी दोनों तरफ एक बराबर है, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू कितना है? वन। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू, और बी की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ गई वन बाय टू, और सी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? जीरो। तो इसकी वैल्यू पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो टी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? टी इज इक्वल टू के कितना है? टू पाई, पता है तो लिख दो। एल की पावर कितना है? ए कितना है? वन बाय टू। और जी की पावर कितना है? बी बी कितना है? माइनस वन बाय टू। और एम की पावर कितना है? सी सी कितना है? जीरो। सी कितना है? जीरो। तो एम की पावर कितना है? दिस इज जीरो। तो टी इज इक्वल टू टू पाई एल की पावर वन बाय टू, और जी को नीचे लेके जाओगे तो कितना आ गया? जी की पावर वन बाय टू। और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू टू पाई एल अपॉन में जी, इस पूरे की पावर कितना है? वन बाय टू। और इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ टू पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। ये फार्मूला आ गया हमारा। इस फार्मूले मुझे बताया कि जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का चलने का आने जाने का, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर तुमसे बोला है कि ये इस गिवन फार्मूला बताओ, ये फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज पर ये टाइम डिपेंड करता है, तो मुझे समझ में आया कि इस फार्मूले को ड्राइव करके कि ये टाइम पीरियड सच में क्या इन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा क्वांटिटीज पर तो डिपेंड करता है इन पे, लेकिन सब पे नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और जी पे। तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ। इसका मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी एक पेंडुलम की, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना जाने आने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इस पेंडुलम की लेंथ कम होती तो टाइम कम लगता। अरे नहीं समझ आया? और किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि माउंटेन पर जब तुम एक पेंडुलम को लेकर जाते हो तो बताओगे वहां पर जो हमारा क्लॉक वाली जो घड़ी होती है पेंडुलम घड़ी, उसका टाइम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो टाइम कैसा हो गया? बढ़ गया। तो वो हमें लेट डिलेड टाइम दिखाता है हमें, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है इसलिए वो स्लो हो जाती है, जिसे कहते हैं। इसी तरह से एक और देखो क्वेश्चन, इस तरह से आपको ड्राइव करना है। इसमें मैंने आपसे बोला डायरेक्ट देखो, मैंने बोला आपको कि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड कर रही है किसको पर डिपेंड कर रही है? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो फार्मूला ड्राइव करो तो हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल को उठा के क्या लगाते हैं? कॉन्स्टेंट। और मास की पावर कितना है? ये एम वी और इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, इनसे शुरू का तो होती है। समझ में? इसने बोला एक फार्मूला ड्राइव करो किसके लिए? सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। फोर्स के लिए अगर ये फोर्स डिपेंड का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पे। एक बॉडी है उसका मास कितना है? एम। किस पर डिपेंड कर रहा है? उसकी वेलोसिटी पे। और किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके रेडियस पे। इतनी बात समझे? तो फार्मूला ड्राइव करना। और फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास तीन मोटिव होते हैं, दो तो प्रोसेस होते हैं और एक मोटिव होता है। क्या? कि सबसे पहली बात, सच में क्या तीनों डिपेंड कर रहे हैं? नंबर फर्स्ट। दूसरा, डिपेंड कर रहे हैं तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। नंबर तीसरा, कितना डिपेंड कर रहे हैं? जितनी पावर ज्यादा उतना ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो यहां से करके देखा तो प्रोपोर्शन उठा के कांस्टेंट लगा दे, और यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वन। हर कांस्टेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, एक्सपर्टाइज होगे, आपको वैल्यू इसकी पता चलेगी। नहीं पता फिर से के की वैल्यू के लिखनी है आपको, कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है जी। तो फोर्स का फार्मूला कितना होता है? हमें पता है एम एल टी माइनस टू, ये तो डायमेंशन फार्मूला होता है इसका। मास का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? एम। और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। और इसकी पावर कितना है? बी। और रेडियस क्या है? लेंथ। लेंथ की पावर हो गया सी। इसको सोल्व करके लिखो तो m ये कितना है? l। और ये कितना है? t की पावर माइनस टू। ये बात समझ में आती है? और ये कितना है? m की पावर a।
इसको अगर अलग अलग स्प्लिट करके लिखो तो एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी, एल कितना है सी, और अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूं तो ये एम की पावर कितना है ए, एल बी से मैं तो पावर हो जाएंगे भाई, एल इज इक्वल टू बी प्लस सी, और टी कितना है माइनस बी, और ये कितना है एम की पावर कितना है दिस इज वन, एल की पावर कितना है वन, और टी की पावर कितना है माइनस टू। अब पावर का कंपेरिजन कर लो, तो पावर का कंपेरिजन कैसे करते हैं, कंपेरिजन ऑफ एल एच एस टू आर एच एस। अब सुनो पावर का कंपेरिजन के लिए, अब देखो यहां पर भी एम है, यहां पर भी एम है, दोनों तरफ एम है ना, तो एम एम दोनों तरफ सेम है, तो ए किसके इक्वल आ गया वन, तो यहां लिखोगे ए इज इक्वल टू वन। अब यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी एल है बेस है, और यहां भी लेंथ है ना दोनों, तो एल एल दोनों सेम है, तो कितना आ गया बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया वन, तो यहां लिखोगे बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में यहां भी टी है और यहां भी टी है ना, तो माइनस टू भी किसके इक्वल आ गया माइनस टू, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस गया, इस बी की वैल्यू को यहां रखो तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, नहीं आया समझ में, तो ए की वैल्यू वन, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू टू, तो बी इज इक्वल टू टू, इसकी वैल्यू पुट करो इसमें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, और जब फर्स्ट में पुट करते हो तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू कितना के, के की वैल्यू कितनी है वन, एम की पावर कितना ए, ए कितना है वन, और वेलोसिटी की पावर कितना बी, बी कितना है टू, और आर की पावर सी, सी कितना है माइनस वन। तो इसको सोल्व करते हैं तो एफ सी, एफ सी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन मारी, तो होता है ये तो पढ़ा हम लोगों ने। अब ये पता कैसे चले फार्मूला सही है गलत है, पता भी तो सही होना चाहिए, ये फार्मूला सही है गलत है कैसे पता चलेगा, सुनो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है टी, टू पाई तो नंबर है, नंबर की तो वो डायमेंशन नहीं होती छोड़ दो, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है एल टी माइनस टू, एल से एल गया, इस टी माइनस टू को ऊपर लेके जाओगे तो कितना गया टी का स्क्वायर, और टी को बाहर लेके जाओगे तो कितना टी नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है, इसका मतलब फार्मूला हमारा करेक्ट है। ऐसे यहां पर भी चेक करके देखो, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, मास की कितनी है एम, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या लेंथ, और सोल्व करेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू, और एल एल से एल कट गया तो कितना आ गया एम एल टी माइनस टू, फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। नहीं है समझ में, तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं है कि फार्मूला ड्राइव कैसे होते हैं। इसी तरह से एक और बोला, देखते जाओ फटाफट फटाफट, तुमसे बोला है इसमें, देखो जरा तुमसे बोला, अगर फ्रीक्वेंसी, प्लीज अगर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है सरफेस टेंशन पे, सरफेस टेंशन रेडियस और डेंसिटी पे, ध्यान से सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जो जितनी बार वाइब्रेट कर सके, एस क्या है सरफेस टेंशन, आर क्या है रेडियस, कोई भी एक बबल है, एक ड्रॉप है ड्रॉप, सरफेस टेंशन किसी भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी, अगले सीजन में पढ़ोगे आप, सरफेस टेंशन किसी भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करके क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और किसी भी चीज का मिनिमम सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, अरे किसका होता है स्फीयर का। तो आप देखना बरसात, जब बरसात आती है तो पानी कैसे, बूंदे कैसे होती है ड्रॉप में, आप एक झाग लेते हो, झाग में जैसे आप एयर को ब्लो करते हो तो क्या निकलता है बबल, कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो नेचर के अंदर लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है, अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है, और मिनिमम सरफेस एरिया किस में होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उसमें पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, आर क्या रेडियस ऑफ ड्रॉप जो भी होगा, और रो क्या है उसकी डेंसिटी लिक्विड की जो भी डेंसिटी होगी। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करना है, तो हमें पता है कि सबसे पहले रो प्रोपोर्शन उठा के क्या लगाते हैं कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना है दिस इज के, एस की पावर कितना लिखा ए, आर की पावर बी, और रो की पावर सी। अब न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था वन अपॉन में टाइम पीरियड, इसको ऊपर लेके जाओगे तो टी की पावर माइनस वन, तो ये टी की पावर माइनस वन, के क्या है कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू बाद में रख देंगे हम टू पाई, क्या होती है इसमें भी टू पाई होती है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कितना होता है देखते जाओ फटाफट, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, कितनी होती है, और लेंथ की डायमेंशन होती है एल, एल से एल कट गया तो कितना आ गया एम टी माइनस टू, तो यहां पर उठाकर लिख दो एम टी माइनस टू, इसकी पावर कितनी है दिस इज ए, नहीं है समझ में, आर क्या है रेडियस, इसकी पावर कितनी है बी, और रेडियस क्या है लेंथ, लेंथ की पावर कितनी होती है बी, रो क्या है डेंसिटी, और डेंसिटी की कितनी होती है एम एल माइनस थ्री, अरे निकाला तो था, रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की कितनी होती है एम, और वॉल्यूम कितनी होती है एल की पावर थ्री, नहीं है समझ में, तो रखिए जी इसकी पावर, और ये कितना है दिस इज, इसकी पावर कितना है सी। अब इसको सोल्व करिए, एम की पावर कितना ए,
टी के पावर माइनस टू ए, एल कितना बी, एम कितना सी, एल कितना माइनस थ्री सी। इसको सोल्व करेंगे तो एम की पावर ए, बेसिव है ना, पावर ऐड हो जाएगी तो ए प्लस सी, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है तो एल इज इक्वल टू बी माइनस थ्री सी, और यहाँ भी टी है तो बस एक टी है तो टी की पावर कितना माइनस टू ए, और यहाँ पर कितना टी की पावर माइनस वन। अब एक बार देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मास है, नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम की पावर जीरो लिखूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, किसी पावर जीरो तो वन होता है, यहाँ पर एल है लेकिन यहाँ पे एल नहीं, लेकिन मैं इसकी पावर जीरो लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की पावर के साथ कंपैरिजन करो फटाफट, तो यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, तो इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, मतलब बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, इसका मतलब माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय टू, ए की वैल्यू वन बाय टू रखूंगा तो सी की वैल्यू कितनी माइनस वन बाय टू, अब सी की वैल्यू यहाँ माइनस वन बाय टू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया जी, सी की वैल्यू कितनी हमारी माइनस वन बाय टू, और ये कितना था बी माइनस थ्री सी, नहीं आया समझ में, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो तो कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ गया थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री बाय टू, तो ए की वैल्यू भी है हमारे पास, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है टू पाई, और एस की वैल्यू पावर कितनी है ए, ए कितना है वन बाय टू, और आर की पावर बी, बी कितना है माइनस थ्री बाय टू, और रो की पावर कितना है सी, सी कितना है माइनस वन बाय टू। अब इसको देखो कैसे अरेंज करके लिखते हैं, तो रो इज इक्वल टू टू बाई, अब ये कितना है एस की पावर वन बाय टू, देखते जाओ जरा ध्यान से, ये माइनस माइनस पावर है तो नीचे ले जाओ, तो आर की पावर थ्री बाय टू, और इसको क्या ले सकते हैं रो की पावर वन बाय टू, इसको मैं इस फॉर्म में भी तो ले सकता हूँ, न्यू इज इक्वल टू टू पाई एस की पावर वन बाय टू, और ये आर के पावर थ्री है ना थ्री बाय टू, तो आर के पावर थ्री को वन बाय टू भी तो ले सकता हूँ, और ये कितना रो की पावर वन बाय टू, तो सब पे वन बाय टू आ गया, तो मैं इसको ये ले सकता टू पाई एस आर की पावर थ्री रो, इस पूरे की पावर कितनी है वन बाय टू, और वन बाय टू को हम क्या ले सकते हैं टू पाई अंडर रूट में एस अपॉन में आर की पावर थ्री रो, ये इसका फॉर्मूला है, नहीं है समझ। तो ये तरीका होता है, कोई भी हमें क्वांटिटीज दी है उसके फॉर्मूले हम फिजिक्स में इस तरह से बनाते हैं कि आपको ये क्वांटिटीज दे दी, इन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन निकाले, रिलेशन निकाले, व्हाट डज इट मीन बाय, हमें उनका फार्मूला ड्राइव करना है। अब किसी का किसी के साथ भी कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम, अगर हमें क्वांटिटीज दी है, बात समझ में आई। इसके तीन मोटिव अगर बिल्कुल याद हैं तो आप समझ जाएंगे आप फिजिक्स में कर क्या रहे हैं। पहला कि अगर हमें कोई क्वांटिटीज दे रखी है, हमें बोला है कि इस क्वांटिटी के लिए फार्मूला बनाओ, लेकिन हमें बोला है कि ये क्वांटिटी इन इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो सबसे पहला हमारा ये फार्मूला ड्राइव करने का मेथड हमें समझाता है कि सच में क्या ये डिपेंड करती है या नहीं करती, नंबर फर्स्ट। दूसरा, करती है तो डायरेक्टली करती है या इनवर्सली, नंबर तीसरा कितना डिपेंड करती है, ये तीन मोर मोटिव होते हैं। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, दिस इज एरर। देखिए इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है एरर। एरर बेसिकली मिस्टेक, गलती को कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल कि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमें एरर मिस्टेक गलती हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सपोज टू बी ये एक रोड है, इस रोड की अपनी कुछ लंबाई होगी, तो हमेशा ध्यान रखते हैं जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में उस बॉडी की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक वैल्यू वो है जो हम इसकी मेजर करके लिख रहे हैं, नंबर दूसरी एक वो वैल्यू जो इसकी अपनी ट्रू वैल्यू है, ट्रू या एक्चुअल वैल्यू है। जैसे कि एक रोड है, ये एक मार्कर है, इस मार्कर की अपनी एक्चुअल जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर की, कितनी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलिए। एक वो वैल्यू है जो हम इसकी स्केल से मेजर करके लिखते हैं, जो हम स्केल से मेजर करके लिखते हैं उसे हम ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं या मेजर वैल्यू कहते हैं। अब मैंने स्केल लगाया, स्केल लगा के इसकी लंबाई को नाप दिया, कितना 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर क्या है इसकी मेजर वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है, और 10 सेंटीमीटर क्या है, और इन दोनों वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस हो सकता है, ये जो इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस है इसी को फिजिक्स में एरर कहते हैं। तो एरर इज बेसिकली व्हाट, अगर हम एरर की बात करें, एरर क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू। अब देखते जाइए फटाफट फटाफट, जैसे कि मैंने भी आपसे बोला कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन थी x1, वो कितनी थी हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी x, दिस इज कितना 11 सेंटीमीटर, और इसकी अपनी ट्रू वैल्यू भी थी, और वो ट्रू वैल्यू कितनी थी, दिस इज सपोज टू बी 10, यही तो है बेटे 10 सेंटीमीटर।
तो अगर मुझे एरर निकालनी है तो एरर बेसिकली होती क्या है, तो आंसर है ट्रू वैल्यू में से यस मेजर वैल्यू को या जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसको माइनस कर लो। इन दोनों के बीच का अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब तुम्हारे सिस्टम में कोई एरर है। अब यहां से ये एरर है, ये ट्रू वैल्यू और ये मेजर वैल्यू है। जैसे कि इसमें मुझे एरर निकालनी है और एरर का नोटेशन, एरर का नोटिफिकेशन हम किससे बनाते हैं, डेल्टा के साथ। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम डेल्टा लगाएंगे जिस भी क्वांटिटी के आगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कि नेचर में ये एक डिफरेंस है। किसका? दो ऑब्जर्वेशन के बीच, एक ऑब्जर्वेशन से उसके ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। तो डेल्टा हेयर इधर हेयर रिप्रेजेंट द एरर, तो इस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगा दिया डेल्टा एक्स। तो ट्रू वैल्यू कितनी हमारे पास, दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये कितना है ऑब्जेक्ट मेजर वैल्यू, दिस इज 11 सेंटीमीटर। ये हमारी मेजर वैल्यू है और ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो इनके बीच में अगर यहां रखूं तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 11 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, माइनस वन। एक बात समझ में आई? तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, फिर से सुनो, अगर मैंने आपसे बोला कि ये इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और आपने इसे नाप दिया कितना 11, मैंने आपसे बोला इसमें एरर कितनी है, तो आंसर है 1 सेंटीमीटर ओनली, माइनस नहीं बोलेंगे, माइनस एरर सिर्फ एरर होती है। यहां पर नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तुम्हारी ऑब्जर्व वैल्यू है ना, ऑब्जर्व वैल्यू, ये बात समझ में आ गई, ये वाली जो तुमने ऑब्जर्व वैल्यू करी, या जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू से कितना कम है, 1 कम है। तो माइनस एयर द रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू इज लोअर देन क्या, 1 बाय मेजर वैल्यू, उससे 1 कम है। इसी तरह से मान लो मैंने इस स्केल की इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर की है, मैंने स्केल लगा के इसे 8 सेंटीमीटर नाप दिया, और होता भी है इसको कितना नाप दिया 8 सेंटीमीटर का, तो इसमें एरर कितनी है। तो हम फिर से क्या करें, ट्रू वैल्यू में से, ये ट्रू वैल्यू है ना हमारी, इसमें से हमने माइनस किसे करा, ऑब्जर्व वैल्यू को, तो डिफरेंस कितना है 2। तो ये हम बोलेंगे एरर 2 है ना, तो एरर के सामने हम नेगेटिव लिखते हैं ना कभी पॉजिटिव। अब यहां पे 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो इस जो ट्रू वैल्यू है इस मेजर वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो जब भी हम किसी इस एरर के साथ यहां पर जो डिफरेंस निकालते हैं उसके साथ माइनस लिखते हैं और प्लस लिखते हैं, तो माइनस प्लस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रू वैल्यू से ज्यादा है या कम है। और हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या तो ज्यादा होगा या कम, लेकिन गलती तो गलती है, अरे बात समझ, चाहे आप ज्यादा करो या कम करो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एरर लिखेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस 1 लिखेंगे। नहीं है समझ में? प्लस माइनस 1 का मतलब है हो सकता है ये प्लस हो या हो सकता है माइनस, लेकिन एरर अभी भी सिस्टम में कितनी है, 1 है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं आप, और उस एक्सपेरिमेंट को करने में जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, अब उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू आपको पता हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट नेसेसरी। भाई अगर हमें एक पेंडुलम दिया हुआ है, अगर मुझे एक पेंडुलम दिया है ये वाला, और इस पेंडुलम में अगर ये पेंडुलम यहां से चलता है और वापस आता है, तो ये पेंडुलम की होती है मीन पोजीशन, क्या होती है रे, तो यहाँ पे इस पेंडुलम का अगर आपने प्रैक्टिकल कराओ तो शायद इसमें आपने देखा होगा कि इसमें 2 वैल्यू कैलकुलेट कराई जाती है, पहला तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला जाता है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें हमें एक स्टॉपवॉच दी जाती है, इस पेंडुलम की लंबाई हमें पता है, लेंथ पता है, क्या पता है, लेंथ। और अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। अगर मुझे जी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल अपॉन में जी आ जाएगा भाई, तो जी इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ये तो रखेंगे। तो मुझे पेंडुलम की लेंथ पता है, तो हम यहां से देखते हैं पेंडुलम जा रहा है और वापस आ रहा है, तो जाने और वापस आने में कुछ टाइम लेता है, तो उसके टाइम की यहां से कैलकुलेशन करते हैं, गया वापस आया टाइम लिखा, फिर गया वापस आया, तो पहले लिखा हमने G1 फिर G2 फिर G3 फिर G4, ऐसे कर करके हम कई सारी ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे ये बताना है कि जो मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला वो मेरी वैल्यू सही है गलत है, उसके लिए हम करेंगे क्या, तो हमें ऑलरेडी एक जी की वैल्यू पहले से पता है, जो कितनी है स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8। अरे बात समझ में आई? तो हमने जितनी सारी ये कई सारी ऑब्जर्वेशन निकाली, इन सब ऑब्जर्वेशन का हम क्या निकालते हैं, एक मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, और मीन निकाल के फिर एक मीन मान लेते हैं, इसकी मीन एरर इतनी है और उसको उसमें से माइनस कर लेते हैं, ये एक छोटा सा तरीका होता है। लेकिन एक बात बताओ, हमने इसकी एरर को तभी तो निकाला जब मुझे इसकी ट्रू वैल्यू पता थी, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? और इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ के साथ सीखो कि अगर मुझे इसकी ट्रू वैल्यू पहले से पता थी तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को क्यों करूंगा। अरे मुझे पता है जब जी की वैल्यू 9.8 होती है तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इच्छुक हो ही नहीं, मैं तो तब एक्सपेरिमेंट को करूंगा जैसे कि मुझे इसमें टाइम पीरियड निकालना हो। अब टाइम पीरियड की फिक्स वैल्यू क्या है भाई, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट को मुझे करने के लिए बोला गया कि एक पेंडुलम दिया हुआ है जिसमें जी की वैल्यू मुझे पता है 9.8 है और एल की वैल्यू मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मैं क्या देखता हूं, ये पेंडुलम जाता है वापस आता है, इसका टाइम पीरियड होगा,
फिर गया, फिर वापिस आया, एक टाइम हुआ। तो इसी तरह से हमने इसकी कई सारी ऑब्जर्वेशन निकाल ली। क्या करा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी कई सारी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ठीक। और हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हमें जो एक्सपेरिमेंट दिया उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली बात हमें उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता। क्या नहीं पता? ट्रू वैल्यू नहीं पता। पक्का ध्यान रखना ऑप्शन में, हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता। और हमसे बोला है कि इसमें एरर निकालो, इसमें एरर निकालो। अब उसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहली बात जिसका भी हम एक्सपेरिमेंट करना है उसकी हम कई सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। मान लिया हमने उसकी 10 ऑब्जर्वेशन ले ली, पहला काम 10 ऑब्जर्वेशन ले ली। ये जो 10 ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। जो ये मीन आता है ना, इस मीन को हम मानते हैं ट्रू वैल्यू। क्या मानते हैं? ट्रू वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? ट्रू वैल्यू। जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आ जाओ, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे होगी ना। तो जब तुम इस पेंडुलम को एक्सपेरिमेंट को करोगे तो कभी तो एक बार मेरी जी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 9.82 आ गई मीटर पर सेकंड। अरे ज्यादा ही ना। तो ये पक्का है, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक सिक्के को आप उछालते हो, ध्यान से सुनना, एक सिक्के को अगर आप उछालते हो तो उसमें कितनी बार ऐड आएगा, 1000 बार उछालूं तो मैं पक्का ही देखूंगा कि 50% हेड आएगा और 50% टेल आएगा। अगर एक बार लगातार 10 हेड भी आ गया तो पक्का ऐसा भी होगी दो दो बार, पांच पांच बार करके टेल भी आएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली ऐसा होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हो। मतलब समझा बेटे बात? तो यहां पर हमारा मोटिव को समझो आप, हमारा मोटिव क्या है यहां पर, हमारा मोटिव सबसे बड़ा डेस्टिनेशन ये है इसमें कि यार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पेंडुलम का जिसका हमें टाइम पीरियड नहीं पता। अब इसका जब टाइम पीरियड हमें नहीं पता, इसकी ट्रू वैल्यू पता ही नहीं, तो हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन का नियम मुझे समझाता है कि लार्ज ऑब्जर्वेशन लेने से मतलब ये है, इसकी जो भी ट्रू वैल्यू होगी उस ट्रू वैल्यू से 50% इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, 50% उसकी कम आएगी। भाई यही तो मतलब है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, इसकी कुछ वैल्यू तो 50% इससे ज्यादा आएगी 9.8 से, और कुछ 50% कम आएगी। इसकी कुछ वैल्यू कितनी आ गई, 9.78 कितनी आ गई। अब मैंने इनका मीन निकाला, क्या निकाला, मीन इनका। तो मैंने क्या करा, G1 प्लस G2 अपॉन में कितना करा, 2। तो बताएंगे कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ गया देखना, वही तो आ गया स्टैंडर्ड वैल्यू। अरे 9.82 में 9.78 को जोड़ो और क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया इसमें, 9.8 तो आ गया। तो अब ये 9.8 जो मैंने मीन निकाला, ये मेरी क्या वैल्यू कहलाएगी, ट्रू वैल्यू। तो एक नियम बना लिया, समझ लिया कि सीधा सा फंडामेंटल है, कोई याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है। हमसे बोला जाता है कि भैया हमें एक एक्सपेरिमेंट की में एरर निकालनी है, तो सबसे पहले और हमें ट्रू वैल्यू में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसकी कई सारी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। हमने 10 ऑब्जर्वेशन ले ली, उन 10 ऑब्जर्वेशन का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। जो हमारा मीन आएगा उस मीन को हम एक ट्रू वैल्यू मानेंगे। क्या मान लिया? अब उस ट्रू वैल्यू में से अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अरे इसमें से इसे माइनस करूंगा ट्रू वैल्यू में से तो क्या आएगी, एरर। इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगी, एरर। इस तरह से हमारी एरर, इन एरर को फिजिक्स में बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है? नहीं है समझ में? अच्छा, उसके बाद इसमें एरर आ गए Δ1, उसमें आ गए Δ2, Δg2, Δg3, कोई भी कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, इस तरह से हमारी कई कई एरर आएंगे। और ये एरर क्या है, डेल्टा में आएंगी, क्योंकि एरर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एरर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा के साथ। तो डेल्टा X1, डेल्टा X2, डेल्टा X3, दुनिया भर के आ गई। फिर इन सब ऑब्जर्वेशन जो हमारी एरर आई है, जो ये एरर आई है डेल्टा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, इन सब एरर का हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, और उसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मैं आपको दिया एक एक करके स्टेप से समझा रहा हूं, और यहीं से न्यूमेरिकली आएंगे पेपर में, और यही आपको समझना है। समझ आई मेरी बात, मोटे मोटे सब देख बेटा जी। अब इसमें तो इसे हम कहते हैं, सुनिए, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? और एब्सोल्यूट एरर में हम समझ जाते हैं एक बात कि भाई हम कर क्या, किस लिए करते हैं एब्सोल्यूट एरर का ये फंक्शन, काम ही किसमें लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं है, अता पता नहीं है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट देयर आर एन ऑब्जर्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एन ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन हमने मान ली A1, A2 और कितनी मान ली, An। उसका पहला स्टेप होता है, हम क्या निकालते हैं, इसकी मीन ऑब्जर्वेशन। क्या निकालते हैं? मीन ऑब्जर्वेशन। और इस मीन ऑब्जर्वेशन में देखो फटाफट, इस मीन ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमने इसे सिंबल दिया AM, या आप सिंबल दे सकते हैं A बार। इसमें क्या करा हमने, A1 प्लस A2 प्लस AN और अपॉन में क्या करा, N से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो ये वैल्यू आती है ना मीन ऑब्जर्वेशन, याद रखना ये आपकी ट्रू वैल्यू बन गई है। क्या बन गई है? ट्रू वैल्यू। उसका नंबर दूसरा होता है इसमें, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, जो हम जिसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अरे समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली होता क्या है, ये पूछा भी जाता है, इसकी डेफिनेशन बहुत आती है पेपर में। तो एब्सोल्यूट एरर एक डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है भाई, किसका डिफरेंस है, सीधी सी बात है यार, दिस इज डेल्टा है। तो इसमें हम करते क्या है, देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, मीन ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्व वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस, या टू वैल्यू बोलो या ऑब्जर्व वैल्यू बोलो, उसमें क्या है। तो बाबू कैसे निकालेंगे देखना जरा, इसमें एक एक करके ध्यान से सुनना आप सारे। तो बेटे सबसे पहले गुड़िया डेल्टा ए वन इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा इस ए एम में से माइनस किससे करूंगा, ए वन को, अरे तो ये ए वन में एरर आ गई ना, इस तरह से ए टू कितना आ गया, ए एम माइनस ए टू, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। नहीं है समझ में, हाँ जी, इस मीन में टू वैल्यू में से पहले वाले को माइनस करा फिर दूसरे को, ऐसे करते करते कितना आ गया यहां से, ए एम माइनस ए एन, और ये कितना आ गया डेल्टा ए एन। ये बात समझ में आई नहीं, दिस इज नोन एज क्या, एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद नंबर थर्ड क्या निकालते हैं इसमें, ध्यान से देखते जाओ फटाफट, इसके बाद निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, जितनी हमने ऑब्जर्वेशन ली है ना ये वाली, इन सब का मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीन। मीन निकालने से एक्यूरेसी आती है, क्या आती है बेटे, तो इसीलिए निकाली जाती है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में यहां पे क्या सिंबल लगाया, डेल्टा ए एम पर एम लगा दिया, या डेल्टा ए एम पर बार। तो डेल्टा ए एम कितना आ गया जी भाई साहब, अब लिखवाना शुरू करो इसे, तो डेल्टा ए वन प्लस दिस इज नोन एज क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू एन, और कितना है बेटे, डेल्टा ए आई अपॉन में एन। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, क्या मतलब होता है, समीशन। और समीशन कैसे कर रहे हैं, सिग्मा का मतलब समीशन और आई का मतलब इंटीजर्स, एक से चल रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। और सिग्मा का मतलब समीशन होता है, पहले इसकी वैल्यू वन रखेंगे तो डेल्टा ए वन अरे प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, ऐसे बढ़ते चले जाए। नहीं आया समझ में, अब उसके बाद अगले स्टेप सुनो, एक छोटी सी बात, ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। देखो जी, किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को एरर के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन को एरर, जैसे ये थे ना हमारा यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ किसी एक ऑब्जर्वेशन को, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी गुड़िया और ये क्या थी बेटे, मेरी एरर थी भाई। ऑब्जर्वेशन मैंने ये तो मेजरमेंट करी थी इसकी, ये मेरी ट्रू वैल्यू, अब जरा ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेशन भाई ये मेरी ट्रू वैल्यू थी, वो ऑब्जर्व वैल्यू, और ये मेरी क्या थी, ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस ये तो था मेरी एरर। तो किसी भी एक ऑब्जर्वेशन के साथ को उसकी एरर के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े आराम से सुनना। जैसे कि इस वाले केस के लिए बोलूं तो इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 11 11 ही तो थी। तो सबसे पहले हमेशा क्या लिखी जाती है, ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है बेटे, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहां पर ऑब्जर्वेशन हमने कितनी मान ली, एक्स डैश मान ली थी ना। उसके बाद लिखते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि एरर आपको पता है, एरर तो एरर होती है, या वो प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसमें जितनी एरर है, सबसे पहले हमेशा क्या लिखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना हमेशा, जो भी तुमने करा ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, एरर। जैसे कि मुझे इसी को लिखना हो तो मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 11 प्लस माइनस 1। नहीं आया समझ में, ये जब भी कहीं लिखा नजर आएगा ना आज के बाद आपको, आपको ये समझ जाना है कि इसका मतलब इतना तो उसने ऑब्जर्व करा था, और एरर इस सिस्टम में कितनी है, प्लस माइनस 1 है, एक ज्यादा हो सकती है या एक कम, लेकिन एरर एक ही होगी हमेशा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, और ध्यान से सुनना तभी ये समझ में आएगा हम कर क्या रहे थे अब तक। एक छोटा सा क्वेश्चन ये मैंने आपसे कहा, वो कहा कि भाई, मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई मुझे दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस बता दो, तो उसने कहा कि सर देखिए, दिल्ली से जो मेरठ का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर, प्लस माइनस 1 किलोमीटर, क्या मतलब है, या तो 1 किलोमीटर ज्यादा होगा या 1 किलोमीटर कम। तो सुन, तो इसका मतलब यह है कि उसने मुझे बताया दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर प्लस माइनस 1 किलोमीटर, कितना बताया, कितना बताया, 2 किलोमीटर, चलो 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत, कि या तो 2 किलोमीटर ज्यादा होगा या 2 किलोमीटर, एक तरीका। अब मैंने उसी आदमी से पूछा, मैंने कहा जब फ्री में टिप दे रहा है तो इससे एक चीज और पूछ लो यार एड्रेस के बारे, मैंने कहा भैया लगे आता ऐसा है मुंबई का रास्ता भी बता दे कितने किलोमीटर है, तो उसने मुझे बताया भैया दिल्ली से मुंबई है 1000 किलोमीटर प्लस माइनस 5 किलोमीटर, तू बताएगा मुझे अनमोल,
और अगर आप शांति से चुपचाप बैठे रहना, एक्चुअली में आप इसे देख के कभी बता ही नहीं सकते। दोनों में अपने अपने। अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आपका कंपैरिजन का मेथड गलत है। ये 1000 किलोमीटर चलने पे 5 किलोमीटर की एरर है, ये 100 किलोमीटर चलने पे 2 की, तो एरर का कंपैरिजन गलत है भाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक लड़के से पूछा आपके कितने नंबर है, उन्हें बोला 70%, मैंने दूसरे पूछा आपके कितने, उन्हें बोला 92%, तो मैं 92% वाले को इंटेलिजेंट ही बोलता। क्यों? क्योंकि वो थर्ड क्लास में है और जो दूसरा वाला था वो MSc कर रहा था, तो मेरा कंपैरिजन सही था क्या? नहीं था। तो अब जरा ध्यान से सुनो, तो यहां पर कंपैरिजन देखिए क्या था। यहां पर प्लीज, यहां पर 100 किलोमीटर चलने पर उसे कितनी एरर मिल रही है? 2 किलोमीटर। तो अगर वो 1 किलोमीटर चलेगा तो एरर कितनी मिलेगी? 2/100, कितनी मिलेगी? 0.02 किलोमीटर। ये बंदा कितना चल रहा है? 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर चलने पर एरर कितनी मिली? 5 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर ये भी चलेगा तो एरर कितनी मिली? 5/1000, तो कितना आ गया? 0.005। अरे नहीं समझ में आया? अब देख के बता, पर किलोमीटर चलने पर एरर किस में ज्यादा आ रही है? तो इसलिए तू बोलेगा इसमें एरर ज्यादा थी और इसमें एरर कम। लेकिन इस एरर के कंसेप्ट को समझने के लिए तूने क्या करा? आंसर एक रिलेशन निकाला। किसका किससे रिलेशन निकाला? एरर का ऑब्जर्वेशन के साथ रिलेशन निकाला। बोल दो क्या थी यहां पर तेरी? बोल भाई सक्षम क्या थी यहां पर? एरर। और सो क्या था? तो इसका मतलब एरर से जब तूने ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया, एरर को ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, तो तुझे एक रिलेशन मिला। वो रिलेशन तुझे एक नजर देखकर अब ये समझने में मदद कर रहा है कि एरर किस में ज्यादा थी। इस वाली एरर को फिजिक्स में बोला जाता है रिलेटिव एरर। क्या बोला जाता है? अगला तीसरा स्टेप हमारा यही था, दिस इज रिलेटिव एरर। नहीं है समझ में? तो रिलेटिव एरर का कंसेप्ट ही हमें इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि एरर को देखकर हम नहीं बता सकते एरर जा रहा है नहीं है। तो तुम्हें याद रखना, रिलेटिव एरर में हम करते क्या है? रिलेटिव एरर में बेसिकली हम ये करते हैं कि एरर को ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि गिवन ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर है। नहीं है बेटे समझ में? इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला बनता है एरर अपॉन में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो आर तो आर लिखेंगे और एरर को क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स है ना, एक्स लिख लो, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। ये रिलेटिव एरर बन गया। नहीं है समझ में? अब अगला सुन, एक छोटा सा क्वेश्चन और भाई। मैंने दे एरर, अगर मैं इसके ऊपर है परसेंटेज लगा दूं और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें एरर कितनी आ गई? 2%। इसमें यहां पर ये क्या रेशियो? रिलेटिव एरर है। यहां परसेंटेज लगा दूं, उधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गई? 0.5%। अब मुझे देख के ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है कि इसमें एरर ज्यादा है या इसमें एरर ज्यादा है। इसमें कितनी है? 2% एरर, और इसमें कितनी है? 0.5% एरर। नहीं है समझ में? इसे फिजिक्स में कहते हैं परसेंटेज एरर। क्या कहते हैं? और परसेंटेज एरर के लिए हमें करना क्या है? तो आंसर है परसेंटेज एरर के लिए हमें यही करना है। नंबर फोर्थ हमेशा स्टेप यही होगा जी आपका, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर में हमेशा क्या करना है? आर पर परसेंटेज लगाओ और उधर 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये हमारे स्टेप होंगे, हमें फटाफट कैलकुलेशन। उसके बाद इसमें एक छोटा सा एक नाम आता है एरर का, समझ में आ गया ना? तो बेटे हम एब्सोल्यूट एरर का फंडामेंटल कहाँ यूज करते हैं? आंसर है वहां यूज करते हैं बेटे जब हमें कोई ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती, सिर्फ हमें बोला जाता है एरर निकालो। तो उसमें हम सबसे पहला क्या काम करते हैं? कई सारे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, उन ऑब्जर्वेशन का मीन बनाते हैं, वो मीन हमारी एक ट्रू वैल्यू बन जाती है। होता है ना, एक पार्टी में किसी को एक सबको जोड़ में से सबके सहमति से एक नेता बना लेते हैं, ऐसे ही सबके एक मीन निकाल लिया, उनसे एक ऑब्जर्वेशन जो मीन आया उस मीन को अपनी ट्रू वैल्यू बना लिया। हर ट्रू वैल्यू में सारे ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं, एक एब्सोल्यूट एरर आ जाती है, उस एरर का मीन निकालते हैं, वो मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाती है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन क्या थी? मीन। और टोटल एरर मीन एरर। तो टोटल मीन एरर से अगर मैं टोटल मीन ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दूं तो वो मुझे देते हैं रिलेटिव एरर। अरे ये तो मतलब था, एक ऑब्जर्वेशन से एक ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर ले, एक जो हमारी मीन वैल्यू को, या पूरे सिस्टम को कर ले, बात एक ही आ रही है। अब हम पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोपगेशन एरर। 5 मिनट में ही खत्म है जी, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रोपगेशन ऑफ एरर बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन मजेदार सा है। सुनिए, प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या मतलब था बेटे?
देखो एक बात छोटी सी बताओ कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में एरर है, मान लो हमारी ऑब्जर्वेशन में एरर है, तो अगर मैं उनका ऑपरेशन कर दूं, ऑपरेशन का मतलब उनका मैं सम सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवाइड कुछ भी करूं, तो उसका एक रिजल्ट आएगा। तो जब मेरी ऑब्जर्वेशन में एरर है तो वो एरर मेरी ऑब्जर्वेशन से कहां नजर आएगी, मुझे मेरे रिजल्ट में नजर आएगी। मान लो मैं लंबाई और चौड़ाई है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की मैंने लंबाई और चौड़ाई गलत नाप दी, तो अगर मैं उसका पैरीमीटर निकालूंगा पी इक्वल टू 2l + b, तो उसका पैरीमीटर सही आएगा गलत आएगा? गलत आएगा भाई। उसका एरिया निकालूंगा तो भी गलत आएगा। तो मेरी एरर जो पहले ऑब्जर्वेशन तक सीमित थी, और उन ऑब्जर्वेशन का जब मैंने क्या निकाला, ऑपरेशन करा, सम करा, सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवाइड करता हूं, तो वो एरर मुझे कहां रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है, कहां आगे बढ़ती हुई नजर आती है, रिजल्ट में नजर आती है। नहीं है समझ में? तो इसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ द एरर, एरर का आगे बढ़ना। वो एरर वहीं पे सीमित हो जाती है अगर आप उसी कैलकुलेशन नहीं करते तो। लेकिन आपने क्या करा, उसी कैलकुलेशन करना शुरू करा, अगर लेंथ में भी एरर है और ब्रेथ ठीक है, लेकिन तू उसे सम करेगी, सब्ट्रैक्शन करेगी, मल्टीपल करेगी, डिवाइड करेगी, कोई भी फॉर्मूला लगाएगी, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी वो एरर आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यही मतलब होता है प्रोपगेशन ऑफ द एरर का। और हमें हमारे मैथमेटिक्स में हमारे पास चार ऑपरेशन होते हैं, तो सम करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन, कोई भी फॉर्मूला उठा ले। अरे कोई भी फार्मूला उठा ले, कोई पावर भी होगी ना किसी की, वो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हमेशा इन चारों चीजों को गुजरना पड़ेगा। एक करके मैं करके दिखा रहा हूं आपको, और बाकी हम सारे वी नो दैट करके डायरेक्ट फार्मूले बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पेपर में डायरेक्ट रिजल्ट से हमारे काम चल रहे हैं, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। तो देखो जी, सबसे पहले प्रोपगेशन ऑफ द एरर का मतलब समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? तो हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन ली है, दो तीन जितनी भी ली है, उनका हमने क्या करा, ऑपरेशन करा, सम सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी ऑब्जर्वेशन से वो एरर हमें रिफ्लेक्ट होती हुई प्रोपगेट चलती हुई नजर आती है। कितनी आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहला केस होता है सम का। क्या होता है बेटे? सम। और सम के केस में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमने लेट करा, दो ऑब्जर्वेशन ली ए और बी, कोई भी दो ऑब्जर्वेशन मान ली, अरे खूब सारे ले सकते हो, दो मान ली ए और बी। अब मैंने इन दोनों ऑब्जर्वेशन का क्या करा, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन क्या है, सम, तो वो कितना है, ए प्लस बी। तो ये मेरी टोटल ऑब्जर्वेशन आ गई भाई। अरे यार, ये रिजल्ट है और ये क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन है। अगर एक बार बता, इफ ए के अंदर भी एरर है और बी के अंदर भी एरर है, दोनों के अंदर एरर, इफ एरर इन ए एंड बी आर सपोज टू बी प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, अरे प्लस माइनस देखते हैं, अगर इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो जेड में भी तो एरर आएगी। सो जेड में एरर मुझे कितनी मिलेगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड। और अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन को उसकी एरर के साथ कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, प्लस माइनस लगा के उसकी एरर। इसी तरह से सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन, प्लस माइनस लगा के उसकी एरर, ए में एरर इतनी है, फिर प्लस बीच में पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, प्लस माइनस उसकी एरर। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये कितना है, प्लस बी। अरे तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो वही तो साइन आ जाएगा, तो कितना आएगा, डेल्टा ए। इसको अगर मैं साथ साथ लिखूं तो ए प्लस बी, और इन दोनों में इसको मैं एक साथ लिखूं तो प्लस माइनस, ये कितना था हमारा, प्लस माइनस, ये बी है, अरे बी था ना, तो बी में एरर ये तो आएगी बी, दिस इज डेल्टा बी, ये लिखा तो यहां पे। अब ये कितना है, तो आंसर प्लस, ये कितना है बेटा, ए प्लस बी, ये कितना है, प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये कितना है, प्लस माइनस डेल्टा बी। इतनी बात तो समझ में आती है। अब ये तो a प्लस बी ऐसा कैसे है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आंसर प्लस माइनस को माना जाता है, और जब प्लस माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस बचता है, ये नहीं कि खाली हो गया यहां से, बात बता रहा हूं मैं, गलती करते हैं बच्चे। तो जब प्लस माइनस इकट्ठे कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, प्लस, ये कितना, डेल्टा बी। ए प्लस बी को मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट कर सकता हूँ, जेड, तो इसे पुट करिए, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, जेड, ये कितना है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये कितना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड से जेड गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस, काटते नहीं है वैसे, अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। तो डेल्टा जेड कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये क्या है मेरी टोटल एरर है। अरे यार, ये क्या है मेरी टोटल ऑब्जर्वेशन है। अब रिलेटिव एरर, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने का हमें फार्मूला पता है, रिलेटिव एरर क्या फार्मूला होता है, एरर अपॉन में ऑब्जर्वेशन, पुट करो फर्स्ट एंड सेकेंड से। नहीं समय, ये एरर है टोटल, ये टोटल ऑब्जर्वेशन है। अभी एरर का फॉर्मूला पढ़ा, रिलेटिव एरर का रखवा, इसकी वैल्यू डेल्टा एल कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में कितना, ए प्लस बी, और ये कितना है बेटे, रिलेटिव एरर।
इसको स्प्लिट करके लिख लो तो डेल्टा ए अपॉन में कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी। नहीं आया समझ में? और इसके बाद हमें फोर्थ स्टेप में क्या निकालना होता है, परसेंटेज आ गया। तो आर पे तो परसेंटेज लगा दिया, उधर 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू में 100। नहीं आया समझ में? इसी तरह से देख, रफली रफली सा बता रहा हूं, अगर तू सब्ट्रैक्शन का करेगा तो दो ऑब्जर्वेशन लेगा ए और बी, तो उनका क्या करेगा सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी। अब तुझे पता है ए के अंदर भी आ रहा है कितनी प्लस माइनस डेल्टा है, अरे बी में आ रहा कितनी है प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जेड में भी कितने आ गए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और जब तू इसे सोल्व करेगा तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेगा, ये माइनस का बी हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो वही तो सिंबल आ गया, तो प्लस का डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बी, इसे क्या लिखेगा ए माइनस बी, इन दोनों में से प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये तो ए माइनस बी चली रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया प्लस माइनस, कितना है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ये कितना है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको क्या ले सकते हैं जेड। नहीं है समझ में? तो पुट फ्रॉम फर्स्ट, पुट फ्रॉम फर्स्ट, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू कितना जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इससे गया प्लस माइनस से प्लस माइनस, तो डेल्टा जेड कितना आ गया। तुझे पता है ये जानबूझ के कराने का मेरा मोटिव ये था, तुम्हें एक चीज समझ में आए, हमेशा तुम इस बात को ध्यान रखना, इसमें नहीं आगे तक मैं दिखा रहा हूं भाई, एरर जो होती है एरर एरर हमेशा एरर पॉजिटिव होती है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है। तूने देखा गुड़िया यहां पर ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिविजन, लेकिन एरर हमेशा एड होती है, ए प्लस बी, यहां भी क्या होता है ए प्लस बी, ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या थी ए प्लस बी, लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है ए माइनस बी। नहीं है समझ? नहीं है बेटे समझ? एरर हमेशा एड होती है, एड ऑब्जेक्ट दो, अगर मैं एरर लूं तो उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते कभी भी। और इसके बाद अगर मैं तुझसे बोलूं रिलेटिव एरर निकालिए परसेंटेज एरर, तो क्या करेगा, तो रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा जेड अपॉन में जेड लगाएगा भाई, और डेल्टा जेड है कितना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन ये कितना है ए माइनस बी, और इसको अलग अलग करके लिखेगा तो डेल्टा ए अपॉन में ए माइनस बी प्लस में डेल्टा बी अपॉन में बी, ये रिलेटिव एरर आ गया। और परसेंटेज एरर के लिए क्या लगाएगा आर पर परसेंटेज और उधर 100 से मल्टीप्लाई। नहीं है समझ में? तो एक रे रूल बना लिया कि भैया एरर सम सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवाइजन सब कुछ होगा, एरर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होती हैं, तो देख ले परसेंटेज एरर भी तो ऐड हो रही है। यहां भी क्या हो रहा था एडिशन ही तो था, ऐसे मल्टीपल डिवीजन में भी देखो, अगर मुझे मल्टीपल डिवीजन में निकालना, देखो जिधर अब क्या कर रहे हैं मल्टीपल, और मुझे मल्टीपल करना है तो हम क्या करते हैं इसमें क्या निकालना है बेटे मल्टीपल के लिए कर दें। तो देखो जी मल्टीपल में क्या करते हैं, ऐसे दो ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ये कितना है ए अपॉन ए इनटू में बी, जब इसका हम एरर निकालते हैं रिलेटिव एरर निकालते हैं, ध्यान से सुनना डायरेक्ट देखो रिलेटिव एरर का यूज होगा, अगर मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना है तो इसका फार्मूला कितना होता है डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, ये क्या कहलाते हैं बेटे हमारी, दिस इज रिलेटिव एरर। और यहां पर परसेंटेज का साइन लगाते हैं और उधर 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज परसेंटेज एरर। नहीं है बात समझ में? एक्सप्रेशन आपकी कॉपी में मिल जाएगा, आप लोगों को करा रखा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी टोटल, जब इसका टोटल परसेंटेज एरर निकालते हैं तो कितना आता है, दिस इज डेल्टा जेड अपॉन में जेड डेल्टा ए अपॉन में दिस वन, ये आता है। और इसको अगर एरर खाली एरर की बात करें तो डेल्टा जेड कितना आता है इसमें, डेल्टा जेड ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, इसका मतलब अभी भी एरर भी क्या हो रही है एड हो रही है, और रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर भी क्या होती है हमेशा ऐड होती है, हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे डिवीजन की बात आती है, किसकी बेटे डिवीजन, और डिवीजन में हम क्या करते हैं ए अपॉन में बी निकालते हैं, और अगर मुझे फिर से क्या बोला है इसके एरर निकालो, तो हम यहां इसे लिखते हैं एरर अपॉन में ऑब्जर्वेशन, और ये भी कितना आएगा डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। एक बात इसमें नोटिस करो, जो मल्टीपल का रिजल्ट होता है वही डिवीजन का भी होता है, वही डिवीजन का भी होता है बेटे। तो एरर परसेंटेज एरर
या रिलेटिव एरर, ये हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देख लो यहाँ पर भी तो प्लस आ रहा है, इसमें भी तो प्लस आ रहा है, सब में प्लस आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो एरर होती है हमारी ये रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये हमेशा क्या होती है, गुड़िया ऐड होती है। अब एक चीज़ और देखो इसमें, एक अगर केस मैं आपको ये दूं कि एरर आपको पावर में निकालनी है, किसमें निकालनी है, एरर इन पावर, तो बहुत आसान सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बोला आपसे कि जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, क्या बेटे जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक एग्जांपल ही उठा लेते हैं, जेड इज इक्वल टू मैंने बोला एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही तो है बेटे कि ये एक्स इंटू में एक्स ही तो है और ये जेड है। और आपको पता है जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लीज जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये वाला फार्मूला ये तो है। तो जब मल्टीपल करना होता है तो हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनता है डेल्टा जेड अपॉन में जेड, ये कितना बनता है डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, इसी को तो रिलेटिव एरर कहते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं इसी को इसी फॉर्मूले से खोलूं तो सुनना, इस जेड को मैं क्या लिखूंगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड, और एक्स को क्या लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, प्लस इसको भी क्या लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, इसे फिजिक्स में कहते हैं रिलेटिव एरर। तो ये दोनों जुड़ गए तो कितना गया 2 डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ पे परसेंटेज लगा उधर 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया रिलेटिव योर परसेंटेज एरर। नहीं है मेरी बात समझ में? अब आपको इतना बड़ा मेथड नहीं लगाना इसमें, इसका एक तरीका सुन, एक्सेल में एक्चुअल में तूने क्या करा, जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 था ना, तो सबसे पहले जो जेड लिखा होता है ना हमेशा, इसको लिख दो डेल्टा जेड अपॉन में जेड, ध्यान से सुन लेना भाई, जो जेड लिखा है जो ऑब्जर्वेशन जिसमें मुझे एरर निकालनी है, तो उसको लिखो सबसे पहले डेल्टा जेड मतलब एरर अपॉन में ऑब्जर्वेशन, तो ये मेरा क्या बन जाएगा रिलेटिव एरर बन गया। उसके बाद बेटे जो पावर पहले दी जाती है ना उसको उठा के पहले लिख दो, जो पावर पहले उसको उठा के पहले लिख दो बस, और बचा एक्स, एक्स को लिखोगे डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, और यहां पर परसेंटेज का साइन लगा और उधर 100 से मल्टीप्लाई आ गया। अब इसी फार्मूले को इससे खोल के देखो, इसी को इस वाले फार्मूले से खोलो, तो अगर मैं नीचे आता हूं तो इस जेड को क्या लिखूंगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड, और एक्स की पावर 2 है तो क्या लिखूंगा 2 पहले लिखा दूंगा, एक्स को क्या लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, और यहां पर परसेंटेज लगा दी और उधर 100 से मल्टीप्लाई, देखना वही तो आ गया। नहीं समझ? अब आपको पेपर में ये यूज करना है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आराम से देखते जाइए। एक क्वेश्चन देखिए जो पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से, आपसे बोला है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट सी डी। अब क्वेश्चन ये है बड़ा छोटा सा इसमें कि आपसे बोला है फाइंड करिए, आराम से सुनते जाओ, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड, किसमें निकालनी है परसेंटेज एरर जेड में, इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर 2, 3, 2 and 4% respectively। अब इसका मतलब यह है कि मुझे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यह बोला है कि जेड में परसेंटेज एरर निकालो, मतलब हमें निकालना है डेल्टा जेड अपॉन में जेड, ये हमें कैलकुलेट करना है, और मुझे ए में परसेंटेज दे रखी है, बी में, सी में, डी में दे रखी है, और परसेंटेज एरर का ऑलरेडी हमें फार्मूला पता, अगर ए में दे रखा है तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन में ए, एरर अपॉन में ऑब्जर्वेशन इंटू में 100, ये परसेंटेज मुझे दे रखी है 2%। इस तरह से बी में कितना है डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू में 100, ये कितना है 3%। इस तरह से डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू में 100, ये कितना है 2% रेस्पेक्टिवली, है ना क्रम से एक ही लाइन में। और डी में परसेंटेज कितना है डेल्टा डी अपॉन में डी होल स्क्वायर 4%। नहीं समझे? अब आराम से सुनो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे ये ए स्क्वायर है, बी की पावर 3/2 है, ये अंडर रूट सी डी है ना, तो मैं इसको सी की पावर 1/2 ले सकता हूँ, डी की पावर भी 1/2 ले सकता हूँ। अब यहां से चालू करते हैं, तो सबसे पहले जेड को हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन में जेड, अरे याद आ गया ना, क्योंकि परसेंटेज के लिए रिलेटिव एरर चाहिए, और रिलेटिव एरर क्या होती है एरर अपॉन में ऑब्जर्वेशन, ये क्या बन गया ठीक है। अब आ गया ये ए की पावर कितना है 2, तो हमें पता है जब ऑब्जर्वेशन की पावर होती है तो उसको उठा के पहले लिख देते हैं, तो ए को क्या लिखोगे डेल्टा ए अपॉन में ए, और तुम्हें पता है हमेशा रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड होती है, तो प्लस प्लस लगाते चलो, यहाँ लगाओ प्लस, बी के बाद 3/2 है तो क्या लिखोगे 3/2 डेल्टा बी अपॉन में बी, फिर प्लस लगा। अब तुझे पता अगर ये पूरा ए है और ये पूरा बी है तो डिवीजन में भी क्या होता है उनके बीच में एडिशन ही तो आता है। अब सी की पावर 1/2 है तो 1/2 को उठा के पहले लिख दे, क्या लिखेगा डेल्टा सी अपॉन में सी, फिर क्या लगा प्लस, क्योंकि अभी भी तो दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है।
अब डी की पावर कितना है 1/2, तो 1/2 डेल्टा डी अपॉन में डी, इधर परसेंटेज लगाओ उधर 100 से मल्टीप्लाई। अब आराम से सुनो, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 2 डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू में 100 नहीं आ गया, प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू में 100, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100, प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100। अब ये बता ए में कितनी परसेंटेज आ रहा दे रखी है, ये 2% तो यार 2% लिख दो भाई, 2 × 2, प्लस बी में कितनी परसेंटेज रखी है, और सी में कितनी है, और डी में कितनी है, अच्छा 2 × 2 = 4, 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया 2 × 2 = 4/3, और 3 × 3 = 9 को करेंगे तो 4.5, प्लस कितना आ गया 1 + 2, तो 4 × 4 = 8, 4 × 2 = 6, और 1 = 7, 7 × 4 = 11, कितना आ गया 11.5% एरर है, प्लस माइनस नया।